बिलासपुर में अधिकारी कर्मचारी सहित आरक्षण समर्थन संगठनों ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर बिलासपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नौरंग ने कहा कि नियमों को ताक में रखकर आरक्षित वर्गों को उच्च पदों पर जाने से रोका जाता है। धरने में सर्व आदिवासी समाज की जिलाध्यक्ष महिला प्रभार वंदना उइके ने कहा कि प्रदर्शन लगातार किया जाता रहेगा। उन्होंने मांगों को पूरा करने की मांग भी की है। उन्नति में आरक्षण विहीन पदोन्नति और नियमित पदोन्नति पर रोक लगाने जैसी 5 सूत्री मांग को लेकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ आंदोलनरत है। आंदोलन के द्वितीय चरण में आज 18 तारीख को संभाग बिलासपुर में धरना दिया गया। आगामी 21 तारीख को दुर्ग और 3 फरवरी को परिवार समेत राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग में जो अभी आरक्षणविहीन पदोन्नति है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और सरकार विधिक कार्रवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण दिलाई जाए। उत्कृष्ट विद्यालय में जो विकल्प पदों के माध्यम से जो भर्तियां हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य स्तर आरक्षण देते हुए नियमित पदोन्नति दिया जाए। आज जो ये धरना प्रदर्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा जो किया गया है उसका सर्व आदिवासी समाज समर्थन करता है और आगे भी इनके संघर्ष में शामिल होंगे हम और सहयोग भी करेंगे। ये जो मुख्यतः पदोन्नति में जो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है उसकी मांग के लिए किया गया है और जो बैकलॉग की जो पदे हैं पद को भरा नहीं गया है इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाना है। शायद ये न्यायालय प्रकरणहीन है उसके बावजूद न्यायालय में भी लंबित है और सरकार से भी हम पुरजोर मांग करेंगे कि बैकलॉग पदों को शीघ्र सरकार उनको भरे और पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर है उसका पूर्णता।